काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर किया। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की है, मैंने बताया था, एक मैंने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब स्टडी करेंगे, एक इलास्टिक एनर्जी जिसको आप स्प्रिंग एनर्जी भी बोलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है कि इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। पोजिशन का मतलब जैसे एच, कितनी हाइट आप लेके गए, कहाँ पे, इन अ फील्ड। इन अ फील्ड ऑफ फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने हाइट अटेन की, या कोई फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट आपने काम किया, या कोई नेचर की फोर्स है उसके अगेंस्ट आपने काम किया। और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्प्रिंग को फोल्ड कर करके आपने वर्क डन किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। तो हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम है म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली ये वर्ड यूज़ नहीं करते, नॉर्मली जो वर्ड यूज़ करते हैं वो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। अब पोजीशन की वजह से अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एक ईंट पड़ी हुई है, एक बॉडी पड़ी हुई है छत के ऊपर, तो उसमें क्या स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी? क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने तो उसको उठा के ऊपर रखा होगा, तो फिर वर्क डन किया होगा। तुम इस ईंट को नीचे उठा के फेंको तो वो मोशन अक्वायर करके काइनेटिक एनर्जी अक्वायर कर देगा। तो ऐसे केस में एक बॉडी जब ऊपर पड़ी हुई है हाइट पर, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये भी मालूम है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल दे चुका हूँ, स्प्रिंग वाला, टॉय वाला। टॉय में आप स्प्रिंग लगाते हो, उसे घुमाते हो, वर्क डन करते हो, तो जो वर्क डन करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देता है। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल में तीन किस्म की एनर्जीज हैं, दो हम अभी पढ़ेंगे, एक प्लस टू में पढ़ेंगे। पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो मालूम है MgH, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से, और तीसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो चार्जेस की वजह से है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस दूर पड़े हुए हैं और आप पास लेके आ रहे हैं, आप नेचर के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, और आप जब इन्हें छोड़ेंगे तो आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा पास लाने के लिए, जब आप छोड़ेंगे ये दूर भागेंगे, ये शो करते हैं इनमें एनर्जी स्टोर हो गई। पर ये वाली दो पार्ट्स हम अभी पढ़ेंगे, और ये वाला पार्ट हम प्लस टू में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बता दिया कि ऐसी होती है। लेकिन स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से।